Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashi Shavasti. जैसे कि we have started with a mega test series, उसका आज 6th test था. आपको याद होगा जो ये test था इसका syllabus would be all the previous 5 tests, उसके combination का paper हुआ है. तो ये एक difficult test भी माना जा रहा है compared to other tests. तो इसमें syllabus ज़्यादा था, ठीक है? तो इसमें fundamental rights तक सारे topic आए हैं. जो last test था उस वहाँ तक के सारे topics covered हैं. तो चलिए इस test का discussion start करते हैं. क्वेश्चन वन जो है ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है जिसमें से आपको सही करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं. द थ्री स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन रिलेटेड टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. याद रखिएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने किया था. याद रखिए उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे, ठीक है? तो ये अमेंडमेंट्स इमरजेंसी से बहुत रिलेटेड है. दैट इज आपको पता होगा नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, क्योंकि उसमें इसने बहुत सारे चेंजेस किए थे. इसका करेक्ट आंसर ए है, दैट इज ओनली टू. क्योंकि जो ओनली टू स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू एक प्रोविजन ऐड किया गया था किस तरह हम नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं. और इसमें एक तरीके से स्पेशल पावर्स दिए गए थे लोकसभा को. इसमें लोकसभा को याद रखिएगा, इसमें जो स्टेटमेंट लिखा हुआ पढ़ देता हूं कि 10% मेंबर्स जो है लोकसभा के वो रिटर्न लिख के दें, ठीक है? वो रिटर्न लिख के दें किसको? या तो स्पीकर को, अगर सेशन हो तो स्पीकर को दें, अगर सेशन ना हो तो प्रेसिडेंट को दें. और उनके रिटर्न लिखने पर एक स्पेशल सेशन बुलाई जाएगी, और उस स्पेशल सेशन में अगर सिंपल मेजॉरिटी से एक बिल पास कर दिया जाता है कि वी याद रखिए रेजोल्यूशन, बिल तो नहीं कहेंगे इसको, रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है कि वी वांट टू रिवोक द नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी. याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी बाय सिंपल मेजॉरिटी ओनली पावर गिवन टू लोकसभा. याद रखिएगा इस प्रोविजन को राज्यसभा से पास होने की जरूरत नहीं है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ही ऐड किया गया था. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जबकि फर्स्ट और जो थर्ड पॉइंट है वो गलत है. थर्ड पॉइंट तो जस्ट अपोजिट लिख दिया गया है, तो बिल्कुल ही गलत है वो स्टेटमेंट, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में. और फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ओरल एडवाइस नहीं, नेशनल इमरजेंसी लगाने पर आपको रिटन एडवाइस की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर है ए, दैट इज ओनली टू. सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा गया है. इसका आंसर बी है, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. याद रखिएगा वॉइसरॉय को पावर्स दिए गए थे कि वो किस तरह इंडियन पीपल्स को नॉमिनेट कर सकता है अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में. और उसने तीन मेंबर्स को लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट भी किया था अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में. आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो तीन मेंबर्स कौन थे जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था बाय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? और किस एक्ट से किया गया था? आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट, दैट इज 1861. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगेन आर्टिकल 26 की बात कही गई है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आर्टिकल 26 आता है. तो इसके जो तीनों पॉइंट है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट व्हाट अंडर आर्टिकल 26. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है. अगर आपने बेसिक भी फंडामेंटल राइट्स का पढ़ा होगा तो आर्टिकल 26 में आपने डी आंसर लगाया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में. अगेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिए गए हैं? याद रखिएगा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि डायरेक्टली इन द प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको आप मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हो, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है? यहां पर एबॉलिश की गई थी डायरेक्टली इन द प्रोविंसेस. तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत है. बाकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, तो आंसर वुड बी बी, दैट इज 1 और 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल जो है, ठीक है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस अबाउट इक्वालिटी लिबर्टी और जस्टिस, ठीक है, ये कहां पर मतलब इन ऑब्जेक्टिव्स का इफेक्ट देखने को मिलता है? तो आंसर इज ए, दैट इज फंडामेंटल राइट्स. आप फंडामेंटल राइट्स में देख सकते हैं इक्वालिटी की बात कही गई है, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट भी है, तो वहां पर इक्वालिटी लिबर्टी और जस्टिस की बात डायरेक्टली इफेक्ट में अपन देख सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स है जस्टिसिएबल आल्सो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं. इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के
कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो दोनों स्टेटमेंट जो फर्स्ट और सेकंड है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2. डायरेक्ट इलेक्शंस ऑलरेडी इसी के थ्रू, एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7th में आते हैं. अच्छा, टिपिकल क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स किन सर्कमस्टेंसेस में इफेक्ट करता है. तो याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट करता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर एंड मार्शल लॉ के टाइम पर, दैट इज मार्शल रूल के टाइम पर. तो आंसर 2 and 3 है, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर. फंडामेंटल राइट्स में कोई इफेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा. तो आंसर वुड बी 2 and 3. ठीक है, तो आंसर वुड बी सी. याद रखिएगा, दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं व्हिच नेवर गेट सस्पेंडेड, दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए गए, व्हिच फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट में याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये फंक्शंस परफॉर्म किए गए हैं. ये ऑलरेडी मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं इस टॉपिक को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. याद रखिएगा, कंसाइंस पूछा गया है इसमें. प्रीएम्बल जो है वो एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को, बट वो कंसाइंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज फंडामेंटल राइट्स. और इसको आप एनलार्ज प्रिंसिपल में देखते हो फंडामेंटल राइट्स को, तो डीपीएसपी कुड ऑल्सो बी एक्ट एज अ व्हाट, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आंसर इज डी, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है और डीपीएसपी वी हैव टेकन फ्रॉम आयरलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, दिस इज अगेन अ टिपिकल क्वेश्चन. आर्टिकल नंबर 20 की बात कही गई है. दिस आर्टिकल डील्स विद, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम. ठीक है, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 20 आता है. तो इसमें पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मैं बता दूं, नाइदर वन नाइदर टू, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉस कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली. मतलब पीछे से इस कानूनों को अप्लाई नहीं किया सकता है, ना ही सिविल ना ही क्रिमिनल लॉ को. तो याद रखिएगा, सिविल लॉस में ऐसे टैक्स लॉस होते हैं, इट कुड बी इंप्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली. ठीक है, क्रिमिनल लॉस को नहीं किया सकता, बस सिविल लॉ को किया जा सकता है. तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग है. और पूछा गया है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. आप मेरे फंडामेंटल राइट का चैप्टर देखेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन. द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड बोथ टू क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स. तो आपको बता दूं, सिविल प्रोसीडिंग्स में ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन लागू नहीं होता है. ठीक है, क्रिमिनल में होता है. तो आंसर वुड बी अगेन, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th. इनमें से कौन से कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं. तो स्केड्यूल में है, आपको पता होगा, एक 7th स्केड्यूल है व्हिच टॉक्स अबाउट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. और 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. सेंट्रल लिस्ट में देयर आर 97 सब्जेक्ट्स. ठीक है, स्टेट लिस्ट में देयर आर 61 सब्जेक्ट्स. और कंकरेंट लिस्ट में याद रखिएगा, देयर आर 52 सब्जेक्ट्स. तो ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. बट मैं बताऊं आपको कि जो यूनियन लिस्ट है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट्स प्रेजेंटली 100 है. स्टार्टिंग में 97 थे, प्रेजेंटली 100 है. और स्टेट लिस्ट में प्रेजेंटली 61 है, पहले 66 थे, अभी 61 है. और जो आपकी दैट इज कंकरेंट, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने करेक्शन में रिपीट करता हूं, जो यूनियन लिस्ट में है उसमें पहले 97 सब्जेक्ट्स थे, प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट्स हैं. स्टेट लिस्ट पहले 66 सब्जेक्ट्स थे, प्रेजेंटली 61 सब्जेक्ट्स हैं. और कंकरेंट लिस्ट याद रखिएगा, पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, प्रेजेंटली 52 सब्जेक्ट्स हैं. तो सारे सब्जेक्ट्स तो आपको याद नहीं करना है, बट इसे पूछा गया है कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं. आंसर इज ए, 1 and 2, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ और फिशरीज है बोथ कम अंडर स्टेट लिस्ट. ठीक है, तो 1 और 2 कम, दैट इज एजुकेशन एंड फॉरेस्ट, कम अंडर कंकरेंट लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं, पूछा गया है, इफ एज फार एज आर्म फोर्सेज आर कंसर्न, द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर. तो याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ आर्म फोर्सेज इट इज अवेलेबल, वो अवेलेबल रहेंगी बट ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. मतलब पार्लियामेंट चाहे तो ये जो राइट्स हैं इनको कर्टेल कर सकता है, पार्लियामेंट का ये पावर है. तो आंसर नंबर इज व्हाट, डी, दैट इज अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, डायरेक्ट फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. ठीक है, आंसर इज डी, दैट इज 1 and 4 स्टेटमेंट. इट टॉक्स अबाउट एक्सप्लॉइटेशन. याद रखिएगा, पहला जो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23. और जो डी 4th स्टेटमेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, आर्टिकल नंबर 24. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन वो 14th में आते हैं द डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन बहुत फेमस है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है यूएस के प्रेसिडेंट बहुत फेमस आंसर इज सी दैट इज अब्राहम लिंकन तो आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन में 15th में आते हैं व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग हमारा नेशनल एंथम जो जनगण मन है ये पहली बार कब गाया गया था और कहां गाया गया था तो आंसर इज डी दैट इज 27th December 1911 इन कैलकटा तो आपको याद रखना है कैलकटा में गाया गया था जनगण मन ठीक है और आपको मुझे बताना है जनगण मन लिखा किसने है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जनगण मन जो अपना नेशनल एंथम है वो लिखा किसने है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 16th आपको पता होगा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किसकी रिपोर्ट या कमीशन के आने की वजह से बनी है तो आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन है दैट इज आंसर इज बी कैबिनेट मिशन याद देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में आया था हेडेड बाय पैट्रिक लॉरेंस और टू अदर्स मेंबर्स थे एवी अलेक्जेंडर एंड स्टार्टफोर्ड क्रिप्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आंसर इज सी 11th दिसंबर 1946 में और जबकि टेम्पररी प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो दैट वाज हुम दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th में आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन मतलब 10th शेड्यूल की बात कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है ठीक है डिसाइडेड बाय हुम तो रहेगा आंसर इज बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस अगर लोकसभा की बात करें तो स्पीकर राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक है तो आंसर बी है इसका क्वेश्चन नंबर 19th डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर 6th शेड्यूल आपने 6th शेड्यूल पढ़ा हुआ है ठीक है इज नॉट ऑपरेटिव ठीक है पर 6th शेड्यूल किसके तो ऑपरेटिव नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चन है असम त्रिपुरा मेघालय दीस थ्री कम्स अंडर 6th शेड्यूल जो नागालैंड है इट डजंट कम अंडर 6th शेड्यूल ठीक है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए 6th शेड्यूल में जो 4 स्टेट्स आते हैं 3 स्टेट्स जो लिखे हुए हैं असम त्रिपुरा मेघालय वो 4th स्टेट कौन सा है जो 6th शेड्यूल में आता है इसका आंसर तो सी है नागालैंड नहीं आता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब किस शेड्यूल में है आंसर इज बी दैट इज 5th शेड्यूल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के याद रखिए 9th दिसंबर 1946 को फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट चूज किए गए थे दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही वाज अ ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए फ्रेंच प्रथा के अकॉर्डिंग उनको बना दिया गया था व्हाट द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है नेक्स्ट आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसके थ्रू ऑब्टेन किया गया है आंसर इज सी द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लोगों ने भेजा है ठीक है डायरेक्टली नहीं भेजा इनडायरेक्टली भेजा बट वी द पीपल ऑफ इंडिया आंसर सी है पीपल ऑफ इंडिया थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 राइट टू वर्क याद रखिएगा राइट टू वर्क जो है कहां पे दिया गया है तो याद रखिए इट इज गिवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है डीपीएसपी के अंदर है राइट टू वर्क तो बी है आंसर क्वेश्चन नंबर 24 इसमें दो प्रोविजंस दिए हैं पूछे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मैं आपको बताऊं दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है कि जो मैंडमस रिट है ठीक है इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटी नॉट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बट ऑल्सो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज तो बिल्कुल सही है मैंडमस जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है जबकि प्रोहिबिशन की बात करें तो इट इज इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज तो जो जुडिशियल होंगी या क्वाजी जुडिशियल होंगी उन्हीं के अगेंस्ट इशू किया जाएगा प्रोहिबिशन इवन सर्चरी भी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 25th 6th शेड्यूल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आंसर आ गया उसका इसका आंसर ए है दैट इज असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम 6th शेड्यूल इन्हीं स्टेट्स में लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 शेड्यूल एरिया कौन डिसाइड करेगा आंसर इज डी दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है टू डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27th में आते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है वो कौन याद रखिए अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कौन रिट्स इशू कर सकता है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स आंसर इज हाई कोर्ट ओनली ठीक है तो हाई कोर्ट ऑप्शन में है ही नहीं तो आंसर इज डी दैट इज नन ऑफ दिस ये कोई भी रिट्स इशू नहीं कर सकते हैं रिट्स कुड बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर 226 नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 राइट टू लाइफ डायरेक्ट क्वेश्चन है किस आर्टिकल के अंदर दैट इज बी आर्टिकल नंबर 21
नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है जो एडॉप्शन एंड सक्सेशन है ये किस लिस्ट के अंदर आता है, तो याद रखिए आंसर वुड बी सी, दैट इज कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट में 7th शेड्यूल के अंदर ये सब्जेक्ट आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 में आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एज एन अटेम्प्ट टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट पे, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, नेहरू रिपोर्ट पे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. पहली बात, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, तो इसमें तो पूछा है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी. सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कही गई थी बाय नेहरू रिपोर्ट. ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है, 19 फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड, तो आंसर इज सी, दैट इज 3 ओनली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें तो कौन सा आर्टिकल डील्स करता है सिटीजनशिप का, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर सिटीजनशिप आपको कैसे मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, इसमें पूछा गया है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं अंडर व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे वो किस ग्राउंड्स पे होंगे, तो इसका आंसर ए है, दैट इज 1 एंड 2. याद रखिए सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर हार्म हो रही होगी, है ना, डिफेमेशन के केस पर आपके याद रखिए गए राइट्स को क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और भी बहुत से पब्लिक ऑर्डर वगैरह किन केसेस में आपके फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 के अंदर है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, तो इसमें जो है 1 और 2 सही है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब नहीं है, तो आंसर इज ए, दैट इज 1 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा इट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और अभी होम मिनिस्टर है अपने अमित शाह, तो आपको ये याद रखना है स्टेटमेंट. नेक्स्ट, और बाकी तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से 1773 के एक्ट से पूछा गया है, इसका जो आंसर है वो है सी, दैट इज 1 एंड 2 ओनली, 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है. थर्ड स्टेटमेंट जो है याद रखिएगा, यहाँ पर उनको अलाउ नहीं किया गया था एंगेज करने के लिए, इवन उनको स्टॉप कर दिया गया था, उल्टा स्टेटमेंट लिख दिया थर्ड स्टेटमेंट कि अलाउ कर दिया गया था, इवन स्टॉप कर दिया गया था. और फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट हो गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अगेन कौन सी लैंग्वेज, 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज बी, इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, यूएसए और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिए कौन से पॉइंट्स कॉमन है, तो दादू इसका आंसर नन ऑफ दीज है, कोई भी स्टेटमेंट इंडिया और यूएस के कॉमन नहीं है. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है हमारे अलग तरीके से इलेक्ट होता है, वहां पर अलग तरीके से इलेक्ट होता है, ये कॉमन नहीं है. कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में है बट यूएस में ऐसा कुछ नहीं है. सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, ये भी गलत है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी ऐसा कुछ नहीं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि अपने अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई फैसला दिया है यू कैन गो टू हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने दिया यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऑल आर लिंक्ड टुवर्ड्स ईच अदर. जबकि यूएस में आप देखेंगे जो फेडरल कोर्ट है वो फेडरल लॉ के लिए डील करता है, और जो वहां के स्टेट लॉज हैं उसके लिए स्टेट जुडिशरी है, तो वहां पे अलग अलग जुडिशरी बनी हुई है, इंटीग्रेटेड नहीं है. तो आंसर इज ए डी, दैट इज नन ऑफ द फीचर्स मैचेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है पूछा गया है 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट के कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, तो इसमें जो आपका देखिए विद रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम्स हैव बीन गिवन थ्रू दिस एक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और लॉर्ड मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है. मॉर्ले एट दैट टाइम वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड मिंटो वॉज वॉट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, आप ये भी कह सकते हैं. जबकि स्टेटमेंट वन जो है वो 1909 का स्टेटमेंट है, सेकेंड जो है वो भी 1909 का स्टेटमेंट है ना. तो ये जब जो स्टेटमेंट है, और ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है ये 1892 का स्टेटमेंट है, तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, इंडियन सिटीजनशिप इज लॉस्ट व्हेन. ठीक है, तो इसका आंसर डी है. याद रखिए ऑल ऑफ द अबव जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं इससे सिटीजनशिप आपकी लॉस हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39th पे, और 39th क्वेश्चन जो है विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज एमएलए डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज ए एंड बी बोथ, लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़ बोथ, क्योंकि लक्षद्वीप और चंडीगढ़ दोनों में ही याद रखिएगा विधानसभा नहीं है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं,
नहीं है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी तो हाउ दे कुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का इलेक्शन याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा ऑफ स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज. तो जहां पे यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा नहीं है वहां के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसे पूछा गया विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें से अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो यार देखिए तीनों स्टेटमेंट जो 1, 2, 3 है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका आंसर डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41. ठीक है, तो इसे पूछा गया है, अच्छा इससे पहले मैं आपको 40 क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देता हूं. याद रखिएगा जो 40 का स्टेटमेंट था है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के स्टेटमेंट, मैंने बताया तीनों स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि इससे जो व्हाट इट इज रिटन, यस इट एंडेड द डबल सिस्टम जो था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था. सेकंड है इट चेंज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था, बिल्कुल सही है. और फर्स्ट वॉइस रॉय जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे. और नेक्स्ट जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ऑफिस क्रिएट किया गया था, याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको असिस्ट करने के लिए एक इंडियन काउंसिल भी एस्टैब्लिश की गई थी 15 मेंबर्स की. जो याद रखिएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हुआ करता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर होता था जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, याद रखिए कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 पे आते हैं, कौन से स्टेटमेंट से पूछा गया करेक्ट है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, दैट इज आंसर इज सी. ठीक है, क्योंकि एम एन रॉय ने ही फर्स्ट टाइम आइडिया पुट अप किया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर कैबिनेट मिशन ही एस्टैब्लिश की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन में 42, ये जो फीचर्स दिए गए हैं याद रखिएगा इसका आंसर बी है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 व्हिच इज द लार्जेस्ट एक्ट, जिससे लार्जेस्ट सोर्स भी है कॉन्स्टिट्यूशन का. तो जितने भी पॉइंट्स हैं दिस ऑल पॉइंट्स टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, कौन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है इसमें, इसका आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली. याद रखिएगा सेकंड से आप सिटीजनशिप जो 8th शेड्यूल में आपको अच्छी खासी लैंग्वेज का आइडिया है तो आप सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एक्वायर कर सकते हैं. बट फर्स्ट जो है बाय बर्थ, कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट बाय बर्थ इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकता है. तो आंसर इज व्हाट, दैट इज बी, 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली को याद रखिएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस कब मिला, किस अमेंडमेंट के थ्रू मिला, तो आंसर इज ए, दैट इज 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. आप मुझे इसका ईयर बताइए, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस साल हुआ था, ठीक है कमेंट बॉक्स में बताइए. क्वेश्चन 45, प्रीएम्बल जो है ठीक है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिसेस फेटरलिटी, याद होगा फेटरलिटी वॉज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है, तो वो इंडियन सिटीजन को क्या इंश्योर करता है, इसका आंसर बी है, दैट इज 2 और 3, दैट इज यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. डोंट गो विथ 1, 2, 3, सम पीपल हैव अटेम्प्टेड 1, 2, 3 क्योंकि प्रोग्रेस ऑफ नेशन लग रहा है आंसर हो सकता है, बट आंसर इज बी, दैट इज 2 और 3. नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 में आते हैं, एसोसिएट स्टेट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए आंसर सी है, सिक्किम. और सिक्किम को इंडिया का स्टेट बनाया गया था थ्रू 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, पूछा गया इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वर्टेड इनटू प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन, तो याद रखिएगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, इलेक्शंस विल गोइंग टू कंडक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ही बन गया 26 जनवरी 1950 में, लागू भी हो गया. बट याद रखिएगा दैट कॉन्स्टिट्यूशन बनने से बट इलेक्शंस नहीं हुए थे, इलेक्शंस फर्स्ट टाइम हेल्ड इन इंडिया इन 1951 और 52. तो याद रखिएगा इसकी वजह से तब तक बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह एक्ट करे. तो याद रखिएगा आंसर इज सी, दैट इज 26 जनवरी 1950. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48, द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में 47 का जो आंसर है दैट इज 26 जनवरी मत लगाइए आप इसको, क्योंकि प्रोविजनल पार्लियामेंट की बात करें ठीक है तो याद रखिए कि जब देश आजाद होता है, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ दैट इज बी है ना, 15 अगस्त 1947. ठीक है, तो जब देश आजाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही ये वर्क दिया गया था कि जब तक आपकी वो नहीं बन जाता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक कोई भी लॉ अगर बनाना होगा तब तक लॉ ये बना सकते हैं. ठीक है, तो याद रखिए इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसको प्रोविजनल पार्लियामेंट या मिनी पार्लियामेंट के आंसर के हिसाब से इसका आंसर बी होगा, नॉट सी. तो गो विद 15 अगस्त 1947 से ही हम उसको मिनी पार्लियामेंट या प्रोविजनल पार्लियामेंट कहने लगे थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ मिनिस्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 8th शेड्यूल में मेंशन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 49th, ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है. 31C कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया, याद रखिए बहुत फेमस अमेंडमेंट है, 1971 में हुआ था. डी आंसर है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, है ना, इसके थ्रू 31C आर्टिकल ऐड किया गया था. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड, तो याद रखिएगा राइट टू इक्वालिटी का मतलब एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं रिजर्वेशन है अपने यहाँ, ठीक है, अपन रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो उससे लग सकता है आपको इक्वालिटी तो है ही नहीं है, रिजर्वेशन आप उनको फेवर कर रहे हैं, तो याद रखिए अपने एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं. दैट इज वाई आंसर वुड बी बी, दैट इज एब्सोल्यूट इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड इन राइट टू इक्वालिटी, ठीक है. तो ये यहाँ पर 50 क्वेश्चन का डिस्कशन ओवर होता है. आई थिंक आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा. अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है टेस्ट सीरीज का, मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूँ, इट्स अ लास्ट वीडियो जो आपके सामने कंप्लीट आ रहा है, इसके बाद कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं आएगा. तो अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज को रजिस्टर करें, क्योंकि अभी सिर्फ 6 टेस्ट हुए हैं, 6 टेस्ट हैव बीन पास, अभी 123 टेस्ट हैं. तो देयर इज अ लॉन्ग टेस्ट सीरीज, बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको लेक्चर्स के थ्रू भी याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है. और एक तरीके से आपको अगर स्टार्टर हैं, आपने अभी पढ़ाई नहीं की है, स्टिल ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये वीडियोस आगे आपको नहीं मिलेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है कि इन चीजों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, तो बेटर है आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें. और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नीचे नंबर दिया, आप उसको रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें. थैंक यू.